सब्सक्राइब करें एनआईसीटी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें डेली जीएसटी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हाय फ्रेंड्स, एनआईसीटी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मेहुल पटेल और आज का जो वीडियो है उसमें आपको कंपनी स्प्लिट करना बताऊंगा। दोस्तों, स्प्लिट का डेमो दिखाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि स्प्लिट क्या होता है, कब करना होता है और उससे क्या फ़र्क पड़ता है। दोस्तों, जो भी टेली नए यूज़र है, जो भी टेली में रिसेंटली जिन लोगों ने टेली परचेस किया है, तो उनको जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको करंट कंपनी के अंदर ही आपको किस तरीके से डेटा कंटिन्यू करना है, आपके नेक्स्ट 1920 के पीरियड को भी किस तरीके से टेली के अंदर एंट्रीज करनी है, वो मैंने आगे के वीडियो में आपको बताया था। और जब आप 31 मार्च तक आपका बैलेंस शीट कंप्लीट हो जाता है, आपका सारा एंट्रीज वगैरह कंप्लीट हो जाता है, आपका बैलेंस शीट फाइनल हो जाता है, तो उसके बाद आपको कंपनी स्प्लिट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप दोनों कंपनी को, मतलब दोनों अलग अलग ईयर के डेटा को आप अलग करना चाहते हो, तो उसके लिए टेली में स्प्लिट का यूज़ कर सकते हो। स्प्लिट से होगा क्या, जो भी आपका 31 मार्च का एंट्रीज होगा, 31 मार्च एंट्री होने के बाद जो 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होगा वो पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। और जो भी आपका नेक्स्ट कंपनी जो स्प्लिट होके निकलेगा, जैसे कि मैं 17-18 और 18-19 का आपको स्प्लिट करके दिखाने वाला हूँ, तो मेरा जो 17-18 का डेटा है वो 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो 18-19 में वो ओपनिंग बैलेंस में आ जाएगा। तो इस तरीके से वो स्प्लिट का यूज़ करते हैं। लेकिन स्प्लिट करने से पहले आपका जो 31 मार्च तक के सारी एंट्रीज कंप्लीट होनी चाहिए, आपका बैलेंस फाइनल हो जाना चाहिए, उसी के बाद आप स्प्लिट करें तो बेटर रहता है। क्योंकि जब भी आप स्प्लिट करने के बाद अगर आप एंट्रीज करते हो, चाहे लास्ट ईयर में, तो वही चीज़ आपको करंट पीरियड में भी चेंज करना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस में, तो ये सारी चीज़ आपको बार बार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए मैं आपको गाइड करूँगा कि आप पहले 31 मार्च तक के सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ले, आपका बैलेंस शीट कंप्लीट फाइनल हो जाए, उसके बाद आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने का मेन रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आपने जो भी करंट पीरियड के अंदर एंट्रीज की है उसमें बहुत सारे डेटाज होंगे, बहुत सारी एंट्रीज होगी, और इसी डेटा को आप कंटिन्यू यूज़ करोगे करंट पीरियड के लिए, मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उस टाइम पे होता क्या कि आपका टेली स्लो वर्क करेगा। स्लो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसमें डेटा बहुत सारे एंट्रीज है, उसी के अंदर आप कंटिन्यू करते हो तो आपका टेली स्लो होता है, क्योंकि डेटा ज़्यादा रहता है तो टेली स्लो होता है। तो इसके लिए आप जब स्प्लिट कर लेते हो तो आपके पास डेटा भी कम हो जाएगा, तो जो भी आप करंट पीरियड के अंदर एंट्रीज करोगे तो वो प्रॉपर वर्क करेगा, स्लो होगा नहीं। तो इसके लिए स्प्लिट करना बहुत ही ज़रूरी। तो स्प्लिट कैसे करते हैं वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ, और स्प्लिट करने से पहले आपको क्या चीज़ करना चाहिए वो भी मैं इस वीडियो में आपको डेमो के थ्रू दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो 17-18 और 18-19 का डेटा है। अभी स्प्लिट करने के लिए ये क्या करना है, आपको कंपनी इन्फो में जाना है, स्प्लिट कंपनी डेटा में जाना है, और ये ऑप्शन आपको आपका जो एडमिन यूज़र होगा उसी में आपको शो करेगा। फिर आपको फर्स्ट ऑल तो क्या करना है, वेरीफाई कंपनी डेटा करना है, क्योंकि कुछ अगर एरर्स रहेगी तो वो डेटा स्प्लिट नहीं करने देगा, आपको एरर्स को सोल्व करना पड़ेगा, उसी के बाद आप स्प्लिट कर पाओगे। तो फर्स्ट आपको एरर चेक करना है कि कुछ एरर्स है कि नहीं, नो एरर फाउंड। अभी स्प्लिट कैसे करना है, मैं यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी डेटा करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्प्लिट फ्रॉम, ये मेरा स्प्लिट कहाँ से होगा, 1/4/2018 से स्प्लिट होगा, जो मेरा दो नया कंपनी एक कंपनी बनेगा वो 1/4/2017 से होगा, और दूसरा सेकंड कंपनी होगा 1/4/2018 से होगा। तो ऐसे दो अलग अलग कंपनी, आपका जो रनिंग कंपनी है वो तो एज इट इज़ रहेगा, इसके अलावा दो और कंपनी क्रिएट होगा। स्प्लिट में अगर आपके पास 5-6 साल का डेटा है तो उसको भी आप अलग अलग स्प्लिट कर सकते हो। ये स्प्लिट प्रोसेस करने के टाइम पे ध्यान में रखना है कि अगर आप मल्टी यूज़र वगैरह यूज़ करते हो तो दूसरे पीसी से कोई उसको उस डेटा को एक्सेस ना करे, सारी कंपनीज बंद होनी चाहिए। स्प्लिट प्रोसेसिंग में जो टाइम लगता है वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर, आपके जितने डेटाज है उसके ऊपर वो स्प्लिट होने में टाइम लगता है।
उस स्प्लिट के टाइम पे अगर आपको कुछ हैंग का नॉट रिस्पॉन्डिंग ऐसा कुछ भी आता है तो उसको हाथ नहीं लगाना है, उसको बंद नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रहने देना है, वो ऑटोमेटिक वापस प्रोसेस कंटिन्यू होगा। ये 100% प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा ये मेरा जो रनिंग कंपनी था वो है, जो सेकेंड कंपनी क्रिएट हुआ वो 1 अप्रैल 2017 से है, और उसके बाद जो थर्ड कंपनी मेरा है वो 1 अप्रैल 2018 से। तो ये मेरा दो नया कंपनी ओपन हुआ है। तो यहाँ पे आप इसका बैलेंस शीट आप देख सकते हो, इसका भी बैलेंस शीट देख सकते हो। ये सब दोनों का अलग अलग बैलेंस शीट होगा, दोनों का ओपनिंग बैलेंस भी अलग अलग होगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने डेटा को स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के बाद चाहे तो आप अपनी ये कंपनी है जहाँ पे ये नाम वगैरह है तो उसका नाम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो कंपनी इन्फो में जाके अल्टर करके आप यहाँ पे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से नाम चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इसी तरीके से डेटा को स्प्लिट किया जाता है, तो आपको भी अगर इस तरीके के स्प्लिट करना है तो आप कर सकते हो, बहुत ही ईजी है। और अगर आपको कुछ एरर्स आते हैं स्प्लिट करने के टाइम पे तो आप मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हो, मैं आपको गाइड करूँगा कि क्या एरर हो सकता है, क्योंकि लेजर क्रिएशन में या एंट्रीज करने के टाइम पे कुछ ऐसे एरर्स हो जो ऑप्शन होते हैं जिसको अगर आप गलत आप सिलेक्ट कर लेते हो तो उसकी वजह से एरर आता है। तो अगर आपको कोई भी एरर आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, मैं आपको बताऊँगा कि वो कैसे सोल्व करें। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टिप्स और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।